कहाँ जा रहे हो? गुलमीना को बताने कि मैं सिर्फ बातें नहीं हक भी कर सकता हूँ। तुम्हारे बेटे ने जरगुना के घर पर हक कर दिया। हम जब आए तो इलमन जा चुका था। इलमन? तुमने अगर ये बाजी अपने हक में कर ली तो मैं तुम्हें अपना बाप मान लूं। सुन तो लिया होगा तुमने भी। हाँ, पूरे 4 कारतूस ठोक के आया हूं तुम्हारी बीवी की सबसे बड़ी दुश्मन के दरवाजे पे। अब देखना कैसे ये सारे एक दूसरे के खून में नहाते। कैसे? क्या मतलब? तुम नहीं जानते? तुम सब जानते हो, मानते नहीं। अब तुम्हारे हिलमंद की किस्मत का फैसला वो खान करेगा जो अपनी बीवी पे मरता है और गांव के गरीबों को मारता है। इसकी एक बगल में तो वो मुल्ला है जो खुद तो बीवी से डरता है और दूसरों को खुदा से डराता है, और दूसरी बगल में वो छोटे मोटे खान होंगे जिनकी दाढ़ों में बड़े खान के दस्तरखान से नोचे गए गोश्त के रेशे आज तक फंसे हुए। तुम्हारा हिलमन अकेला इन सब से मुकाबला करेगा। बस तुम दुआ करते रहना। मुझे मेरे आधे खून की खुशबू आ रही है। मैं अपने इस आधे भाई से पूरी मोहब्बत करता हूं। गवाही देते हो ना? मेहरबान मेहरबान। मोहब्बत करते तो कभी ऐसा जुल्म ना करते लाला। अब तो कर दिया, एक ना एक दिन तो ना ही था। क्यों किया तुमने ऐसे? मैंने कहाँ किया है, मुझसे करवाया गया है। किसने करवाया? इसने। जमीन के अंदर की लाश जमीन पर चलती लाश से कब से ये कह रही थी मेरा बदला लो मेरा बदला लो, और मैं कहता था मैं कमजोर हूं नहीं ले सकता। तो ये लाश मुझसे कहती कि यही कमजोरी तेरी सबसे बड़ी ताकत है, और देख दिखा दी आज मैंने अपनी ताकत। लेकिन तुम इस मामले से दूर रहना, ये बड़ों की दुश्मनी, इसमें मत पड़ना। तुम किसी का साथ ना देना, ना मेरा ना उनका। ये हम पुराने गुनहगारों के पुराने दाग हैं। तुम इसमें पढ़कर खुद को दागदार मत करना लस्पियान के चांद। अरे तुमने वग नहीं मारा, तुमने उस भाई का हक मारा है जिसने तुम्हें कभी आधा खून नहीं समझा, जिसने दादजी के सामने तो आवाज ऊंची की है मगर तुम्हारे सामने न कभी आवाज उठाई है और ना ही सर। मैं और गुलमीना एक दूसरे से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी तुम दादजी से नफरत। तुमने मुझे मारा है लाला। वाह हाजी वाह, क्या ऊंची चाल चली है। मुझ पर बड़ा जरगा बिठाने की बजाय छोटा भाई बिठा दिया। बाप की बातों में आकर झूठ मत बोला कर,
तुम्हें अभी समझाया है कि बड़ों के मसले में मत पड़ना, मत इस्तेमाल होना, और आइंदा अगर कोई पट्टी पढ़ा कर वो तुम्हें मेरी तरफ भेजना चाहे तो साफ इनकार कर देना और कह देना कि लाला ने मना किया है। मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद आया हूं तुमसे बात करने। इस गांव में अगर कोई बिल्ला भी किसी बिल्ली के इश्क में गिरफ्तार होता है तो सबसे पहले हिलमंत को उसकी इत्तला पहुंचती है। फिर यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारी मोहब्बत मुझसे छुपी रहेगी? भाग यहां से, झूठा डरोगी। मैंने कहा था ना अपने बाप के हाथों इस्तेमाल मत होना। अगर तुमने उसकी बात मान ली तो अगली मुलाकात में तुम्हारा हाथ मेरे बाजू पे नहीं गर्दन पर होगा और मेरा हाथ तुम्हारी गर्दन पर। यही चाहता है। लाला मेरी बात तो सुनो, लाला मेरी बात तो सुनो। नाजगुल भाई, ये रास्ता सीधा इस्लामाबाद की तरफ जाता है, इंशाल्लाह शाम से पहले पहुंच जाओगे। अच्छा मैडम, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपका शुक्रिया, हाजी साहब को मेरा सलाम दीजिएगा। ज़रूर, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नियाजगुला, लल्ला पामान, लल्ला पामान, आराम से जाएँ, एहतियात से जाएँ, जाएँ। शुक्र है आपका काम इधर ही हो गया, इंशाल्लाह अब रात घर में ही आएगी। हम लस पीरान वापस जा रहे हैं नियाजगुल, गाड़ी रोक। मैं समझा नहीं मैडम। मैं भी नहीं समझी, गांव में फायर होना, हाजी का अचानक हुजरे से जाना और वापस ही ना आना, अवल खान को हम इतनी जल्दी खाना खिला के हाईवे तक छोड़ जाना, समझ नहीं आया। मुझे तो कोई और बात लग रही। ऐसी कोई बात नहीं, हम पठान दुश्मन और मेहमान को घर तक छोड़कर आते हैं। मैं पठान तो नहीं हूँ, लेकिन झूठे को मैं भी घर तक ही छोड़ के आती। गाड़ी वापस लो नियाजगुल, लस पीरान में कोई कहानी हमारा इंतजार कर रही है। हिलमान भी था, हिकमत नहीं था, अभी अभी जाकर देख कर आ रहा हूँ गांव के चौक पर, हाजी से बात करके अपने ठिकाने की तरफ निकल गया। क्या बात करके? पता नहीं, एक तो मैं दूर खड़ा था और दूसरा वो दोनों ऐसा आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे जैसे रात चलती चींटियां आपस में गपशप करती। अब चींटियों की जुबान तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझ आती थी, मैं गुनाहगार आदमी, मुझे तुम्हारा बात समझ में नहीं आता, चींटियों की खाक आएगी। अरे बदबख्त, इल्मन की बात करो, कहां पैगंबरों की बात पर पहुंच गए हो? मिस्र खान कह रहा था इल्मन ने अजी को धमकी दी कि अगर उसके रास्ते में कोई आया तो वो उसके सारे खानदान को जलाकर राख कर देगा, और अगर किसी ने उसका हक मारा तो वो उसे मार डालेगा। ये इल्मन की नई गांव वालों की जबान है। हाँ, अब जितने मुंह उतने झूठ, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि ये संदर ये लिखने वाला, लिख के पड़े पागलों जैसी बातें करने वाला, हाँ कैसे कर गया, क्यों कर गया? मुझको पता है वो क्या चाहता है। क्या चाहता है? बदला अपनी माँ से, हाजी मरजान से। तो फिर जाके अपनी सगी माँ और सौतेले बाप के सीने पे गोलियां चलाए ना, अपना बदला हमारे घर के दरवाजे पर क्यों ले आया?
मैं जाके बात करती हूँ इलमन से। तुम क्यों बात करोगी? मैं मर गई हूँ। जलील मैं हूँ, जवाब भी मैं ही लूंगी। कोई जरूरत नहीं है घर से बाहर निकलने की। अरे 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 अरे, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ते? मेरी मानो तो इस बंदूक में कारतूस डालकर मुझे तो मैं अभी जाकर इलमन को गुलकंद कर करके आता। मेरा आगे पीछे तो कोई नहीं है, आखिरी उम्र में सवाब का ये काम तो कर जाऊं। ऐसे उसके सीने पर बंदूक रखूंगा और दस और दस। सुबहान अल्लाह, अब ये लाश गिराएगी इलमन की लाश। कयामत की निशानी है, कयामत की। बादाम गुल इलमन को मारेगा। वाह भाई वाह वाह। तुम इतनी पुरसुकून क्यों हो माँ? क्योंकि मुझको लगता है कि अब यह आसमान हाजी मरजान के खानदान की तबाही देखना चाहता है। इलमन खुद नहीं आया, भेजा क्या है? किसने भेजा है इलमन? मेरे अल्लाह ने। क्या मेरे असदुल्लाह ने? उधर हाजी गलियों में भाग रहा था, इधर मैं डर रहा था कहीं गिर ना जाए। हमसे भी तेज भाग रहा था। जब हेलमेट का सामना हुआ तो खुदा गवाह है पूरे 3 मिनट तक उसका सांस चढ़ा रहा। हेलमेट ने जो जान चढ़ाया है उस पर हाजी का सांस चढ़ना तो बनता ही है। अच्छा हेलमेट क्या बोला? धमकियां दे रहा था। कौन सी? पता नहीं, हम तो दूर खड़े थे, हाजी के पास तो खड़े हो नहीं सकते थे। ऊपर से सब्जली की माँ मिरासी की तरह थाल पीटे जा रही थी बदबख्त, कुछ सुनाई नहीं दिया हमें। बाप बेटे को आमने सामने देखकर ऐसे खुश हो रही थी जैसे हेलमेट ने हाजी से सब्जली के कोड़ों का बदला ले लिया हो। मुझे तो लगता यही है, हेलमेट ने सब्जली का बदला लेने के लिए रग मारा है ताकि हाजी फंस जाए। अगर जिरगा बैठाता है तो घर में फसाद होता है, अगर नहीं बैठाता तो असदुल्ला की घर वाली ऐसा फसाद खड़ा करेगी तो वाह। तुम्हारा क्या ख्याल है अव्वल खान? इंशाल्लाह हमारा हाजी किसी मुश्किल में नहीं आएगा। हाजी किस मुश्किल में आए ना आए, वो लड़की इस गांव में आ गया है दोबारा। मेरा नाम शहरजाद है, मैं एक अखबार में काम करती हूँ। आपके गांव में हक की रस्म पर रिपोर्ट करने आई थी। गांव वालों ने मुझे बताया कि आपके घर पे आज ही ऐसा कुछ हुआ है। जो भी हुआ हम खुद संभाल लेंगे, जाओ यहाँ से। अच्छा चली जाऊंगी, हम बात तो कर सकते हैं ना? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, कहा है ना, समझी नहीं हो? ठीक है, जैसे तुम सही समझो। मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है? बहुत प्यास लगी है। शुक्रिया। लस्पिरान में लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। मेरे ख्याल से तुम लोगों की सदियों पुरानी रवायत है। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है, जरा पानी पर भी ख्याल करो, बहुत प्यास लगी थी तुम्हें। जाओ। बस थोड़ा सा रह गया। बहुत मीठा पानी है, चश्मे का है?
बीबी मुझे सब समझ आ रहा है, तुम इतनी मीठी क्यों हो रही हो? अभी आखिरी गूंद जल्दी उतारो और जाओ, दरवाज़ा बंद करना है मुझे। दरवाज़ा बंद करने से मसले का हल निकल आएगा? हमारे इलाके में हर मसला असले से हल हो जाता है। तुम परेशान ना, हम संभाल लेंगे अपना हर मसला। ये लड़की कौन है? अस्सलामु जी, मेरा नाम शहरजाद है और मैं अखबार में काम करती हूँ। तुम लोगों के घर चस्के लेने आई हूँ, क्योंकि तुम लोगों के घर पर गग हुआ है, इसलिए तुम दोनों माँ बेटी अपना अपना रोना रो और मेरे चस्कों में इजाफा करो। यही बात है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं आप लोगों की मदद करने आई। क्या मदद कर सकती हो तुम हमारी? मैं आपकी आवाज़ को पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया तक पहुँचा सकती हूँ। जब मेरा बाप मरा था ना, तब मेरी आंख से ना आंसू निकला था ना गले से आवाज। जब इसका बाप मरा था तब आंख से आंसू तो निकला था, गले से आवाज तब भी नहीं निकली थी। हमें अपनी आवाज ना मुल्क को सुनानी है ना दुनिया को। परेशानी की कोई बात नहीं मैडम, जो जो सूरतें याद है वो पढ़ते रहो, आगे अल्लाह मालिक है। अगर बात सूरतों तक पहुंच गई है तो इसका मतलब है काम खराब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा पढ़ो कलमा। हाँ बच्चे, क्या बात हुई जरखोना से? कोई बात नहीं हुई, उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। क्यों? उन्होंने माँ बेटी कहती हैं कि कजाती मसला है और उसे खुद ही हल कर लेंगी वो। ठीक कहती हैं। और अब तुम क्या कहती हो? उस पागल के पागलपन को अखबार में छापोगी या हमें हमारे हाल पे छोड़ के चली जाओगी वापस? एक लड़की की मर्जी के बगैर उस पर ताकत के जोर से कब्जा करना पागलपन नहीं है हाजी साहब। बैठो। ताकत ही तो असल पागलपन है। इस बीमारी का इलाज है हमारे पास, पर मेरा मशवरा है कि तुम गग को हम पे छोड़ दो, उल्टा सीधा ना देखो। यहाँ के लोग पुरसकून हैं, अखबारों का शोर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। शोर होगा तो ही जुल्म खत्म होगा हाजी साहब, वरना यूं ही औरतों की कमजोरी का फायदा उठाया जाता रहेगा। यहाँ की औरत कमजोर नहीं है, अगर कमजोर होती तो तुम जरगुना की कमजोरी का फायदा उठा चुके होते। वो तुमको यूसुफ सुलेखा का किस्सा सुना देती, तुमसे मदद मांग रही होती। एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो कि यहां की औरत ना तो कमजोर है और ना बेबस, आजाद है। उसके पास बदला लेने की जुर्रत भी है और गैरत भी, इसलिए तुम तसल्ली रखो और हमारे गांव को बदनाम करने की जरूरत नहीं है तुमको। यहां किसी को बदनाम करने नहीं आई, जो सच होगा वही लिखूंगी। क्या सच है? कौन सा सच? यही कि आपके बेटे ने अपनी और आपकी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करके ये सब किया और अब आप इस बात को दबाने के लिए मुझे दबा रहे। अगर मेरे बेटे ने ये किया होता तो मैं खुद अपने हाथों से उसकी लाश गिरा देता।
ये मेरी बीवी के बेटे ने किया है। अपनी औलाद आजमाइश होती है और बीवी की आजाद। पूरी दुनिया में इल्मंद सिर्फ हिकमत से मोहब्बत करता है। वो सब को छोड़ सकता है लेकिन हिकमत को नहीं। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हिकमत के पीछे सबको मारने वाला उसका हक कैसे मार गया। वक्त के साथ साथ अंदर की बात भी बाहर आ जाएगी कि ये सब कुछ क्यों किया उसने। तुम जाओ जाकर आराम करो और मेहमान को भी उसका कमरा दिखाओ शाबाश। आराम क्या खाक आएगा, अब तो बस खाक में जाके आराम आएगा। आओ बच्चे। अरे हाजी साहब, मैं झूठा नहीं मजबूर हूं। हिलमन ने मेरी मजबूरियों का फायदा उठाकर मुझे तंग गली में फंसा दिया। अगर कुछ करता हूं तो बीवी कहेगी कि सुतेला बाप था ना, मेरे बच्चे को सजा दे गया। और अगर नहीं करता तो गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, देबसी के दोज़ख में ऐसा गिरा कि मेरा बाप भी मुझे अब इस अजाब से नहीं निकाल सकता। जाओ मुझे आराम करो, जाओ। अरे तुमने वग नहीं मारा, तुमने उस भाई का हक मारा है जिसने तुम्हें कभी आधा खून नहीं समझा, जिसने दादजी के सामने तो आवाज़ ऊंची की है मगर तुम्हारे सामने न कभी आवाज़ उठाई है और न ही सर। मैं और गुलमीना एक दूसरे से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी तुम दादजी से नफरत। रोटी तैयार है खान? एक बात तो बताओ। हुक्म कर। कहीं हिकमत सच तो नहीं बोल रहा था? कहा खान, झूठ बोल रहा था। हाजी ने सिखा कर भेजा। हिकमत शरीफ आदमी, वो किसी लड़की से कैसे मोहब्बत कर सकता है? अगर ऐसी बात होती तो अब तक पूरे गांव में फैल चुकी होती। इस तरह के काम छुपते नहीं है। तुम्हें पशेमानी में डालने के लिए हाजी ने उसको चाल चला कर भेजा, लेकिन खुदा का शुक्र है कि तुमने उसका झूठ को उसी वक्त पकड़ लिया। लेकिन फिर भी पता करो। देखा, हो गया ना आजी कामयाब, डाल दिया ना तुम्हारे दिल में शक। यकीन करो ये बात इतनी झूठी है जितनी ये कि इस वक्त रात के नहीं दिन के 10 बजे। और अगर सच हुई तो मेरी गर्दन काट देना। मैं सारा दिन गांव के बंदे तो बंदे कुत्तों की भी खबरें इकट्ठी करता रहता हूँ। अगर हिकमत का जरगुना की बेटी से चक्कर चल रहा होता तो मुझसे चुप सकता था क्या? वैसे एक बात नहीं समझ आई खान, तुमने जरगुना के दरवाजे पे गक क्यों मारा? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। चलो रोटी खाएं। जब तक अपनी स्टोरी में अपनी तस्वीर नहीं लगाओगी, यूं ही दूसरों के पीछे भागती रहोगी।
क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? थोड़ी देर क्यों, जितनी देर दिल करे बैठो। ये दिन भी देखना था, मैं मजबूर हूं, तुम खामोश हो, काका रो रहा है। कैसे बेबस कर दिया इल्मन ने हमसे, ऐसे लग रहा है जैसे उसने हम सबके हाथ पैर बांध दिए और कह रहे हो भागो वरना गोली मार दूंगा। मेरी दुआएं भी तुम्हारे साथ हैं और मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, ना किसी को इन आंखों में आंसू लाने दूंगा। वाहेगुरु जी, जान दे दूंगा मगर किसी को तुम्हें दुख नहीं देने दूंगा। खैर करो, आप अच्छाई की उम्मीद रखें, दुआ करें कि खुदा सबको अक्ल दे। अब यह मामला दुआओं से आगे निकल गया है, अब हाथ दुआओं के लिए नहीं एक दूसरे पे उठेंगे। मुझे तो आसमान सुर्ख होता नजर आता है, इल्मंद अपनी जेब नहीं छोड़ेगा, हिकमत इल्मंद को नहीं छोड़ेगा। आखिर एक की रगों में आज ही मरजान का खून है और दूसरा नसरुल्ला का बेटा है। लेकिन माँ तो एक है, क्या माँ दोनों बेटों को साथ नहीं ला सकती? माँ बदबख्त ने तो जो करना था उसने कर दिया और उसकी सजा भुगत रही है। तुम जाके आराम करो और मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी सही तरीके से मेहमान नवाजी नहीं कर सक रही। मैं तो इस अजाब में फंसी हुई हूं, इसलिए तुम्हारी खिदमत में कसर रह जाएगी। खिदमत आपको मेरी नहीं, मुझे आप ही करनी चाहिए। चले उठे, शाबाश, आप भी आराम कर ले, मैं आपकी टांगे दबा देती हूँ। अगर 10 मिनट में नींद ना आए तो जो चोर की सजा वही मेरी। उठे, अल्लाह तुम्हारा भला करे, खुदा तुम्हें अपने अमान में रखे। दिल की दो चार बातें कर ली तुमसे, सीना हल्का हो गया, तुमने भी सुन ली, तुम ना होती तो किससे करती। सोच सोच के अपना ही कलेजा खाती जाती। धन धन गुरु जी तेरा ही आसरा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मैंने तो बुजुर्गों और अल्लाह वालों की मजलिसों में बैठ के बस एक ही बात सीखी और सुनी, अल्लाह अपनी इबादत तो माफ कर सकता है लेकिन किसी यतीम और मस्कीन पर जुल्म माफ नहीं करेगा। अब देख लो इधर मुझ पर जो जुल्म हुआ उधर खुदा ने गांव पर हिलमंद का अजाब डाल दिया। यही होता है खुदा इंसाफ रहीम। गुला बिल्कुल ठीक कह रहे हो,
तुम्हारी बात अकल मानती है, अब देखना मेरा खुदा जालिमों की नस्लें बर्बाद कर देगा। मैं तो कहता हूँ खुदा उसे भी बर्बाद करे जो तुमसे वादे करके मुकर गई, सारे गांव के सामने तुम्हें कोड़े पड़वा दिए। ये औरतें होती ही बेवफाएं, इनसे इश्क करना ही नहीं चाहिए, इतनी सी मर्दान की नहीं होती इनमें। नहीं नहीं, वो काम मुकरी है, वो तो आज भी तैयार, एक इशारा करो तो भाग जाएगी मेरी, लेकिन मैं भगा के शादी करना नहीं चाहता, मैं ही मुकर गया। झूठ मत बोलो सबजली, मान लो समंदर खान की बेटी ने तुम्हें धोखा दिया है। अब दे दिए तो क्या करूं, गोली मार दूं इसे? मैंने अपने सारे पतले अल्लाह पे छोड़ दी, वो जो करेगा मुझे मंजूर। दोबारा शाहपरे की बात मुझसे मत करना, मुझे मर्दों की महफिल में औरतों की बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे तो मर्दों की दुनिया में औरतें ही अच्छी नहीं लगती, मर्द की शान ही कुछ और है। देखा नहीं तुमने हिलमन की मर्दानगी ने कैसे अपनी शान और ताकत दिखाई? गांव वालों को तो यही लगता है कि हिलमन ने मेरे लिए गक किया, लेकिन मुझे तो लगता है कि इसने मुझे और मेरा नाम इस्तेमाल करके अपना खेल खेला। मेरा तजर्बा कहता है रहीमगुल्ला, हिलमन को सचमुच में असदुल्ला की बेटी अच्छी लगती है। मानो ना मानो, अंदर से इशारा हुआ हिलमन को। अरे तुम्हारा तजुर्बा गलत है, असदुल्ला की बेटी हिलमन को नहीं हिकमत को इशारे करती है, और हिकमत सच कर। तुम जो कह रहे हो सच कह रहे हो? हाँ, मैंने अपनी आंखों से हिकमत को उस टाइम असदुल्ला के घर जाते हुए देखा है जब जरगुना खाकी अपने खेतों पे गई होती है। क्या वो उसकी बेटी से इशारा करने जाता? नहीं, तबलीग की दावत देने जाता है कि दुनिया के काम तो होते रहेंगे, अल्लाह की राह में 3 दिन निकालो। पागल वागल हो क्या? क्या तुम्हें मालूम नहीं लड़का लड़की से छुप के मिलने क्यों जाता है? जाहिरी बात है हिकमत का चक्कर है उसके साथ। जब तक मैं ना कहूँ पीछे मुड़ के नहीं देखना, और अगर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। अच्छा, अब ज्यादा मेरी तारीफें नहीं करो, ठीक है ना? चुप करके खड़े रहो, देखना नहीं। मुड़ो, देखो। कैसी लग रही हो? ठीक है। अच्छा, एक बार फिर सोच लो। ठीक ही है। हाँ, और अब? बहुत अच्छी, जबरदस्त। और? अरे खुदा के लिए छोड़ दो, आधा गंदा कर दिया तुमने मुझे मेरे बाल खींच खींच के। और? बहुत खूबसूरत, दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी, सबसे खूबसूरत लड़की लग रही हो दुनिया की इस ऐनक में। शाबाश, शाबाश। देखो ऐसे सच बोलते रहोगे तो मैं बाल नहीं खींचूंगी ना। मस्तान का कल लेकर आया मेरे लिए ऐनक, और ये चूड़िया, और ये क्लिप, और ये। अच्छा है ना? अच्छा अच्छा। चलो अब तुम लगाओ, लगा के दिखाओ, देखते तुम्हारे सड़े मुंह पे कैसी लगती। नहीं नहीं, मैं नहीं लगानी। क्या कहा? लगानी है। हाँ, कैसा लग रहा हूँ? बहुत बुरा, जितना मुझ पर सचता उतना तुम पर नहीं। अच्छा, एक काम करो, एक बार आंखें बंद करके फौरन खोलो, फिर देखो। मैं भी तुम्हें शहजादा लगूंगा, शहजादा। अच्छा चलो ये भी करके देख लो, लेकिन तुम कोई शहजादे नहीं लगोगे, लगोगे तो बादाम गुली। चल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस टाइम पे? डरा दिया बदबख्त,
मैं तुम्हें क्या डराऊंगा एकमत, मैं तो खुद डरा हुआ मेरे भाई। अभी अभी 120 घोड़ों के मार का ही है मैंने, अब और मार खाने की हिम्मत नहीं मेरे। मैं तो अपने कागज साफ करने आया तुम्हारे और आजी साहब के सामने, आज इसे तो बात करने की हिम्मत नहीं है। तुम छोटे भाई हो, तुमसे ही कर लेता। कौन सी बात? मैं कसम का कर कहता मैंने ये मेरी मां ने हिम्मत को नहीं भड़का, हमारा कोई कसूर नहीं, इसने जो किया अपनी मर्जी से खुद किए, हमने इसको नहीं कहा ये सब कुछ करने के लिए। मुझे मालूम है तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हें मालूम है तो तेरा आज ही को भी बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझ गरीब पे बिजली ना गिरा दे। तुम खामखा मशर बन रहे हो, तुम्हारा क्या लेना देना है इस सारे किस्से से? यही तो मैं भी कह रहा हूं कि मेरा क्या लेना देना, लेकिन गांव वाले तो यही बात कर रहे हैं कि हिलमत ने मेरा बदला लेने के लिए हक किया। मैं तो डर रहा हूं कि कहीं आज इनकी बातों में आकर मुझे और मेरी माँ को फसाद की जड़ ना समझने लगे और जड़ ही काट दे। ओए जाओ यार, क्यों खामखा दिमाग खाने आ गए हो? मैं तुम्हारा दिमाग नहीं खा रहा, मैं तो बस तुम्हें कह रहा हूं कि मेरी तरफ से अपना दिल साफ रख, कलमा पढ़वा लो, मैं बेगुनाह हूं, इस गप की सारी जिम्मेदारी हिलमंद पर है, मुझ मस्कीन पर नहीं। वो तो खुद असदुल्ला की बेटी से शादी करना चाहता है, इसलिए तो गप किया इसने। सबजली, यहां से जाते हो या तो मैं लगाऊं एक उल्टे हाथ की? जा रहा हूं, जा रहा हूं। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुमने मेरी बात सुनी, यही बहुत है। हलाने के बाद